जय माता दी। दोस्तों, आज यानी 13 अप्रैल को चैत्र नवरात्र का पांचवा दिन है और इस दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्र के पांचवे दिन माँ स्कंद माता की विधि पूर्वक पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मत है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस पांचवे स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक कमन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती हैं। इसी से इन्हें पद्मासना की देवी और विद्या वाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। अगर आप भी माँ स्कंद माता की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ स्कंद माता की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या कथा को सुने। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे माँ स्कंद माता की पूजन विधि और व्रत कथा क्या है, तो आइए जानते हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था, लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। तो आइए आगे जानते हैं माँ की पांचवी नवरात्रि पर माँ स्कंद माता का पूजन कैसे करें। माँ स्कंद माता के लिए आप रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को स्थापित करें। पीले फूल से माँ का श्रृंगार करें। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। इसके बाद कपूर और घी से माँ की आरती करें। पूजा के बाद क्षमा याचना करके दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ आपका कल्याण करेंगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। स्कंद माता की पूजा में पीले या फिर सुनहरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। माँ का श्रृंगार पीले फूल से करें और माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें और पीले फल चढ़ाएं। पीला रंग सुख और शांति का प्रतीक माना जाता है और इस रूप में दर्शन देकर माँ हमारे मन को शांति प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।